तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज लिस्ट और लिस्ट के कुछ फंक्शंस के बारे में मैंने बताया था, ठीक है? किस जैसे अपेंड, इंसर्ट, पॉप, ठीक है, और एक दो फंक्शन और थे, ऐसे लगभग कुछ फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? तो वो फंक्शंस, तो लिस्ट क्या है? लिस्ट एक किसी वेरिएबल के अंदर, अभी तक हम लोग क्या करते थे, ओनली वी कैन स्टोर वन वैल्यू स्टोर कर पाते थे। अगर कोई अनदर वैल्यू स्टोर करते थे तो पहले वाली वैल्यू क्या होती थी, वो वहां से उसके ऊपर ओवरराइट कर देते। जैसे मैं सिंपल सा बताऊं कि ए प्लस टू फोर, फिर मैंने ए प्लस टू अगर फाइव किया तो फोर क्या हो जाती थी, फोर हमारी वैल्यू क्या हो जाती थी, हमसे लॉस हो जाती थी, क्योंकि इसके ऊपर फाइव ओवरराइट कर जाता था। इसी चीज को रिमूव करने के लिए कि अभी तक हम एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे वैल्यू, बट नाउ वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इनसाइड एनी वेरिएबल। तो किसी वेरिएबल के अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो किसी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। तो यहां पर इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, लिस्ट टाइप के वेरिएबल का यूज करते हैं। तो लिस्ट क्या है, एक वेरिएबल ही है और इसमें वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आती हैं, इसमें मल्टीपल वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेचर्स की हम स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो वहीं आगे चलते हैं, हम कुछ फंक्शंस आपके बचे हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है रिमूव फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? रिमूव। रिमूव फंक्शन क्या करता है स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया था कि आपको पॉप फंक्शन क्या करता है, पॉप फंक्शन या तो लास्ट वाले को रिमूव कर देगा या फिर जो भी आप इंडेक्स देंगे उसको रिमूव कर देगा। इट मींस पॉप फंक्शन डिपेंड करता है इंडेक्सिंग पर। किस पर काम करता है बेटा? वो काम करता है इंडेक्सिंग पर, काम करता है जो भी आप इंडेक्स देंगे, ठीक है ना, उसी को रिमूव कर देगा। अगर कोई आप इंडेक्सिंग नहीं देंगे तो उस केस में क्या करता है, बाय डिफॉल्ट लास्ट वेरिएबल को, लास्ट इंडेक्सिंग वेरिएबल को रिमूव कर देता है, ठीक है? बट ये रिमूव फंक्शन क्या करता है स्टूडेंट, रिमूव बेटा काम करता है वैल्यू पे, काम करता है। पॉप हमारा किस पे काम करता था, इंडेक्सिंग पर काम करता था। इट मींस अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग रिमूव करता था। अगर आपने वन लिख दिया तो वन इंडेक्सिंग वाले को रिमूव कर देगा, इंडेक्स वाली वैल्यू को। अगर आपने कुछ नहीं कहा तो लास्ट वाले को रिमूव कर देगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब वो इंडेक्सिंग पे वर्क करता था। बट जो आजकल फंक्शन मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं, रिमूव फंक्शन किस पे काम करता है, ये वैल्यू पे काम करता है। वैल्यू मींस जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 1579, ठीक है? अब देखिए रिमूव फंक्शन का बहुत ही सिंपल यूज है कि रिमूव फंक्शन जो काम करेगा हमारी वैल्यू पे काम करेगा। तो मैं अगर यहां से करता हूं a.remove 1, तो यहां धोखे मत रहना कि ये वन इंडेक्सिंग वाली वैल्यू को रिमूव करेगा। इस केस में वो फाइव को रिमूव करेगा कि वन को रिमूव करेगा, वो वन को रिमूव करेगा स्टूडेंट। इट मीन्स इट डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर यह 112 टाइम्स होता तो पहले वाले को रिमूव कर देता। तो यहां इसका मतलब है कि ये इंडेक्सिंग पे वर्क नहीं करेगा, पॉप की तरह इंडेक्सिंग पे काम नहीं करेगा, ये किस पे काम करेगा, आपकी वैल्यू पर। अगर इसके बाद स्टूडेंट मैं करता हूं प्रिंट ए, तो देन इट विल डिस्प्ले 579। ओके, तो समझ में आ गया ना कि पॉप फंक्शन हमारा वर्क किस पे करता है, इंडेक्सिंग पे करता है। अगर कोई भी इंडेक्स ना दे बाय डिफॉल्ट तो लास्ट वाले को रिमूव कर देगा। बट रिमूव फंक्शन क्या है, एटलीस्ट वैल्यू रिमूव करने के लिए काम आ रहा है। बट व्हेन वी डू नॉट अबाउट द इंडेक्स ऑफ वैल्यू, मान लीजिए हम किसी इंडेक्स के, उस वैल्यू के इंडेक्स के बारे में जानते ही नहीं है कि वो वैल्यू हमारी किस इंडेक्सिंग पर है, किस इंडेक्सिंग पर वो वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ उस वैल्यू की हेल्प से ही उसको रिमूव कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू राइट द इंडेक्सिंग, उस केस में हमें इंडेक्सिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक
ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने उस वैल्यू को रिमूव कर दिया। अगर पॉप यहाँ लगाया होता रिमूव की जगह, तो स्टूडेंट क्या होता, आपको पता है इंडेक्सिंग क्या होती है, 0, 1, 2, 3। तो उस केस में इसको रिमूव करता हूं अगर मैंने पॉप का यूज किया होता, ठीक है। अब मैंने पॉप का यूज नहीं किया तो उसने उस वैल्यू को रिमूव किया। तो यहां पर वैल्यू क्या है, वो है हमारी वैल्यू है क्या बेटा, वैल्यू 1 वैल्यू है। ओके, अब देखिए यहां पर हमारी वैल्यू हो गई